हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्लासगो कोमा स्केल या GCS के बारे में देखेंगे। उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, आई स्कोर, वर्बल स्कोर, मोटर स्कोर, इंटरप्रेशन एंड समरी। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। ग्लासगो कोमा स्केल या GCS स्केल 1974 में ग्राहम टेस्डेल और ब्रायन जे जैनेट के द्वारा इन्वेंट किया गया था। ये दोनों प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल साइंस में, और इन्हीं प्रोफेसर्स के द्वारा ये इन्वेंट किया गया। और ग्लासगो कोमा स्केल का नाम ग्लासगो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल साइंस, एक यूनिवर्सिटी है, उस पर रखा गया। ग्लासगो कोमा स्केल का इन्वेंशन मेनली पेशेंट के कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए इन्वेंट किया गया था। पेशेंट का कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस कितना है, कैसा है, इसको हम लोग देख सकते हैं ग्लासगो कोमा स्केल के द्वारा, जिसमें कुछ नंबर्स तय किए गए, थ्री टू फिफ्टीन नंबर, जिसमें पेशेंट का कंडीशन और पेशेंट का कॉन्शियसनेस हम नोट डाउन कर सकते हैं। इंडिकेशन ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल यूज़ करने की हमको ज़रूरत कब पड़ती है? तो यदि पेशेंट को हाइपोक्सिया हो, हाइपोक्सिया मीन्स जब पेशेंट में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो गया हो। सेकेंडरी, फॉल्स एंड ट्रॉमा टू हेड, यदि पेशेंट को हेड इंजरी या फिर ट्रॉमा हुआ हो, एक्सीडेंट हुआ हो, ब्रेन इंजरी वगैरह हुई हो, उस कंडीशन में। अनरिस्पॉन्सिवनेस, यदि पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तब। न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ में, यदि किसी प्रकार का पेशेंट को कोई न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है, लाइक स्ट्रोक या ब्रेन ट्यूमर या एपिलेप्सी, तो इस कंडीशन में पेशेंट को ग्लासगो कोमा स्केल मेजरमेंट करना ज़रूरी है। और पोस्ट एनेस्थीशिया, पोस्ट एनेस्थीशिया मीन्स एनेस्थीशिया देने के बाद, क्योंकि एनेस्थीशिया में हम सभी को मालूम है कि एनेस्थीशिया देते समय हमारा जो सेंसेशन है वो लॉस हो जाता है, चाहे वो वर्बल हो, मोटर हो या आई रिस्पॉन्स हो। तो कभी कभी क्या होता है, एनेस्थीशिया का लेवल ज़्यादा हो जाने की वजह से या एनेस्थीशिया के बाद जो सेंसेशन है वो बहुत लेट से आता है, तो पोस्ट एनेस्थीशिया भी हमको ग्लासगो कोमा स्केल की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट के कंडीशन को देखने के लिए थ्री रिस्पॉन्स में उसको डिवाइड किया गया है, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। तो फर्स्टली हम देखते हैं आई रिस्पॉन्स, और इन रिस्पॉन्स को देखते हुए ही पेशेंट्स को पॉइंट्स दिए जाते हैं। फर्स्ट है नो आई ओपनिंग, यदि पेशेंट का जो आँख है वो ओपन नहीं हो पा रहा है तो उसे वन पॉइंट दिया जाता है। सेकेंड, आई ओपनिंग इन रिस्पॉन्स टू पेन स्टिम्यूल्स बट पेरिफेरल पेन, सम पेरिफेरल पेन्स वगैरह हो रहे हैं पेशेंट को और आई ओपनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तब हम उसको टू पॉइंट्स देंगे। थर्ड है आई ओपनिंग टू स्पीच, बोलने पर यदि आई ओपन कर रहे हैं तो उसको हम थ्री पॉइंट्स देते हैं। आई ओपनिंग स्पॉन्टेनसली, यदि अपने से आँख खोल रहे हैं, ब्लिंक कर रहे हैं पेशेंट, तो उसको हम फोर पॉइंट देते हैं। तो ये आई रिस्पॉन्स है और फोर जो पॉइंट है उसका फुल मार्क्स होता है। सेकेंडरी इस वर्बल रिस्पॉन्स, फर्स्ट पॉइंट नो वर्बल रिस्पॉन्स, यदि पेशेंट को कुछ पूछ रहे हैं और वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उसको वन पॉइंट दिया जाता है। सेकेंड, इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, यदि पेशेंट से कुछ पूछा जा रहा है या कुछ बोला जा रहा है लेकिन वो बात नहीं कर पा रहा है, सिर्फ वो मॉर्निंग कर रहा है या फिर आवाज़ नहीं निकल पा रहा है मुंह से, तो उसको हम लोग टू पॉइंट्स देंगे। थ्री है इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स, इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स में पेशेंट फुल सेंटेंस नहीं बोल पाता है, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है पर पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो क्या बोलना चाह रहा है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम थ्री पॉइंट्स देंगे। फोर्थ, कंफ्यूज्ड,
पेशेंट डिसओरिएंटेड है। फोर्थ पॉइंट तब दिया जाएगा जब हम उससे पूछेंगे कि आप कहाँ हो, तो वो हॉस्पिटल ना बोल करके वो कुछ और जगह बताएगा, जैसे मैं स्कूल में हूँ, या डेट वगैरह कुछ अलग बताएगा। तो इसको हम फोर पॉइंट्स देंगे कंफ्यूज्ड में। फिफ्थ है ओरिएंटेड। ओरिएंटेड मींस जो अवेयर है, जिससे जो पूछा जाएगा, जैसे उसका नाम पूछा गया तो वो नाम सही बताए, या आप कहाँ हो पूछे तो वो सही जगह बताए कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, टाइम पूछे तो टाइम सही बताए। तो उसमें हम फाइव पॉइंट्स उनको देते हैं। तो थर्ड वन इज़ मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स में हम पेशेंट का मूवमेंट, उसका गेस्चर पोस्चर वगैरह देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज वगैरह, कि वो किस प्रकार से एक्टिविटी कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, और उसी को देख करके उसको हम नंबर देते हैं। वो अपना हाथ पैर सही तरीके से मूवमेंट कर पा रहा है कि नहीं, या फिर पेनफुल है, उस कंडीशन को देख करके मोटर रिस्पॉन्स में नंबर दिए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नो मोटर रिस्पॉन्स। यदि किसी प्रकार का कोई भी मोटर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, पेशेंट अपने जगह पर है और किसी भी प्रकार का कोई हलचल नहीं कर रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो उसमें हम वन नंबर देते हैं उसको। सेकंड, इसमें पेशेंट के आर्म वगैरह को हम देखते हैं कि वो उसमें एबडक्शन है कि नहीं है, इंटरनल रोटेशन है कि नहीं है शोल्डर्स का, या फिर फिंगर में मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फोर आर्म या प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ फुट, फुट वगैरह में मूवमेंट है कि नहीं है, और इस कंडीशन को देखते हुए उनको टू पॉइंट्स दिए जाते हैं। थर्ड जो है उसमें हम फुल मार्क्स देते हैं उनको। इसमें इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर को देखते हैं, और फ्लेक्सन ऑफ फोर आर्म और रिस्ट एरिया और फोर आर्म जो है वो सही से मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और लेग एक्सटेंशन हो रहा है कि नहीं, प्लांटर फ्लेक्सन ऑफ फुट, ये सब को देख करके हम लोग पेशेंट को मोटर रिस्पॉन्स में पॉइंट्स देते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट का जो मोटर रिस्पॉन्स है, उसका मूवमेंट है, वो कितना सही है, वो अवेयर है कि डिसअवेयर है। इसमें ग्लासगो गोमा स्केल को बहुत ही ईजिली डिफाइन किया गया है कि आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स को हम लोग किस टाइप से देख सकते हैं। तो वही चीज़ें हैं। आई ओपनिंग में यदि आप देखेंगे तो स्पॉन्टेनियस, यदि अपने से आँख खोल रहा है तो उसे फोर पॉइंट्स, और टू साउंड, आवाज़ देने पर आँख खोल रहा है तो थ्री पॉइंट, टू प्रेशर और पेनफुली आई ओपन कर रहा है तो टू पॉइंट्स, और नन, अगर आई ओपन ही नहीं हो पा रहा है तो वन पॉइंट। सेकंड है वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स में उसका बातचीत देखते हैं हम लोग, तो ओरिएंटेड, यदि वो जागरूक है, अवेयर है तो, और उसे कुछ पूछ रहे हैं तो वो वर्बल रिस्पॉन्स दे रहा है तो फाइव पॉइंट। कन्फ्यूज्ड है, यदि हम कुछ पूछते हैं और कन्फ्यूज्ड है तो फोर पॉइंट। कुछ वर्ड्स में वो जवाब दे रहा है, हम पूछ रहे हैं सेंटेंस में तो, लेकिन वो जवाब दे रहा है वर्ड्स में, तो उसे थ्री पॉइंट्स देंगे। और साउंड, यदि साउंड कर रहा है, आवाज़ नहीं निकाल पा रहा है लेकिन सिर्फ कराह रहा है या ऐसा है, तो उसको टू पॉइंट देंगे। और नन, मतलब यदि वो आप पूछ रहे हैं उनसे कुछ लेकिन वो किसी प्रकार का कुछ वर्बल रिस्पॉन्स ही नहीं दे पा रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो उनको वन पॉइंट देते हैं। मोटर रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स में हम उनका मूवमेंट देखते हैं। ओबी कमांड में हम लोग देखते हैं, यदि हम जो कमांड दे रहे हैं कि हाथ ऊपर उठाओ, गर्दन हिलाओ, या नीचे देखो, ऊपर देखो, तो वो सही से कमांड्स को फॉलो कर रहे हैं तो सिक्स पॉइंट देते हैं। लोकलाइजिंग में हम बोलते हैं कि वो लोकलाइज्ड करो किसी एक एरिया पे, या इधर देखो उधर देखो, तो उसमें यदि वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो फाइव पॉइंट देंगे। नॉर्मल फ्लेक्शन, यदि उनका फ्लेक्शन है वो नॉर्मल है, जो हैंड का मूवमेंट है या लेग का मूवमेंट है नॉर्मल है, और जो पैर मोड़ रहे हैं या हाथ मोड़ रहे हैं वो नॉर्मल है, तो फोर पॉइंट। एबनॉर्मल फ्लेक्शन, यदि उनका फ्लेक्शन है वो एबनॉर्मल है, यदि हाथ मोड़ने पर या पैर मोड़ने पर वो दर्द के साथ में मोड़ रहे हैं, उनको दर्द महसूस हो रहा है, ये सब फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम जान सकते हैं, तो उसको थ्री पॉइंट्स। और एक्सटेंशन यानी यदि वो फैला रहे हैं या फिर उनको प्रॉब्लम हो रहा है, पेनफुल उनका मोटर रिस्पॉन्स है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ वो अपने हाथ या पैरों को मोड़ रहे हैं, तो टू पॉइंट्स। और यदि नन है, नन मतलब
किसी भी प्रकार का कोई मोटर रिस्पॉन्स ही वो नहीं दे पा रहे हैं, तो उसमें हम 1 पॉइंट देते हैं। ग्लासबर्ग गो को मैं स्केल को और माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 3 स्टेज में बांटा गया है, जिस अकॉर्डिंग पेशेंट को नंबर मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको रखा गया है। तो सबसे फर्स्ट है माइल्ड, 13 to 15। यदि किसी पेशेंट को 13 to 15 पॉइंट्स मिले हैं, इसका मतलब है कि उनका जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है या उसका जो अवेयरनेस का कंडीशन है वो माइल्ड है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी कोई न्यूरोलॉजिकल उनको प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडरी है मॉडरेट, 9 to 12। यदि उनको 9 to 12 पॉइंट्स मिले हैं, मतलब उसको हल्की फुल्की प्रॉब्लम है जो कुछ दिनों में ठीक हो सकती है। फिर है सीवियर स्टेज, सीवियर स्टेज थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, जिसमें 3 to 8 पॉइंट्स मिले हैं, जिसमें न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम है इफ़ेक्ट हो गया है और वो अवेयर नहीं है किसी भी प्रकार से, उनका जो वर्बल रिस्पॉन्स है, मोटर रिस्पॉन्स है या आई रिस्पॉन्स है सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसी प्रकार उनके कंडीशन को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जब हमको ग्लासगो को मैं स्कोर पता चल जाता है, उनका वर्बल, मोटर और आई रिस्पॉन्स, तो हम उनके पॉइंट्स के आधार पर उनका कंडीशन देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट है ए, ए से है अलर्ट, जिसमें 15 नंबर दिया गया है, जिसमें पेशेंट को यदि 15 मार्क्स मिलते हैं या 15 पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब पेशेंट अलर्ट है, अवेयर है, वो जागरूक है कि क्या हो रहा है अपने एटमॉस्फेयर से। सेकंड 13, यदि 13 नंबर उसको दिया जाता है तो रिस्पॉन्ड टू वर्बल स्टिम्यूल्स, तो उनके जो वर्बल स्टिम्यूल्स हैं, उनके जो सेंस है वो काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से, लेकिन वो थोड़ा सा उनमें प्रॉब्लम है जो ठीक हो जाएगा। अगर 5 नंबर उन्हें मिलता है तो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, तो वो उनका स्टिमुलाई, उनका जो संकुचन है, उनका जो सेंस है वो ही काम कर रहा है और वो थोड़ा बहुत ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और 3 मार्क्स यदि मिलता है तो अनरिस्पॉन्सिव, वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहे हैं और किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ना वर्बल, ना मोटर और ना ही आई रिस्पॉन्स, तो ये अनरिस्पॉन्सिव होता है, मतलब पेशेंट डिसओरिएंटेड है पूरी तरीके से, और ये कंडीशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। यही था आपका ग्लासगो कोमा स्केल। यदि आपको समझ में आया हो या फिर आपको ये नॉलेज इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ और मैं और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होती हूँ इससे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।